जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और देखिए, शाम को 4 बज रहे हैं और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? रवे का हलवा। ये देखिए, हमारा रवा मैंने छान करके अच्छे से साफ कर लिया और शक्कर भी रख लिया है और कढ़ैया भी हमने रखी दिया है। देखिए, कढ़ैया रखी हुई है, गर्म भी हो गई है। अब इसमें मुझे देसी घी डाल देना है। ये देखिए, हमने देसी घी भी डाल दिया। गर्मी में भी देसी घी जम जाता है, समझ में नहीं आता है। देसी घी कभी कभी नहीं जे। देखिए, हमने देसी घी भी डाल दिया इसमें। तो अब मुझको रवे को अच्छे से ही रेड रेड गूंज भी लेना है, क्योंकि आज है शुक्रवार। अब मुझको मंदिर जाना है, अभी शाम को 5:30 बजे जाऊंगी। तो मैंने सोचा, वैसे तो हम प्रसाद में कभी फल ले जाते हैं, कभी कुछ भी ले जाती हूँ, कभी कुछ भी नहीं होता है तो अपना पैसे ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि 21, 51, 11 रुपए हमको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर हम मंदिर जाते हैं, फूल ले जाते हैं, फल भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम पैसे ही अपना चढ़ा देते हैं। लेकिन हमने आज सोचा कि रवा रखा है, हम थोड़ा हलवा ही बना लेते हैं। सो हम हलवा बनाने लगे और पूरा दिन तो ऐसे भाग दौड़ काम होता ही रहा। छत में आज थोड़ा मैंने आलू के पापड़ भी धूप में डाला था और गोविंद मनु के साथ सारा दिन मतलब लगना पड़ता है। इन लोगों के साथ पूरा समय मस्ती पे चला जाता है, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो टाइम का बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि सुबह से शाम कब हो जाती है। सो अब तो अभी थोड़ा सा नीचे खेल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं हलवा थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ। हलवा के बाद अभी शाम की भी थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मंदिर से 6:30-7 बज जाते हैं आने में, तो फिर हड़बड़ी नहीं होती है। कुछ ना कुछ तैयारी करके रख लूँगी शाम के खाना की भी। सो मैं हलवा अब अच्छे से रेडी पक जाता है, रवा मतलब बिल्कुल ब्राउन हो जाता है, तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये रवा एकदम से हमारा रेड हो गया, बिल्कुल रेड रेड एकदम से हो गया, देसी घी में एकदम से रेड हो गया। अब इसमें हमको पानी डाल देना है। हमको पानी मतलब ज्यादा ही इसमें डालना है, थोड़ी नहीं डालना। देखिए, हमको बहुत ही ज्यादा पानी इसमें डालना है, क्योंकि मैंने वो सूखा हलवा मुझे नहीं बनाना है। जो आप लोग सोचते हो जो सूखा सूखा आप लोग बना लेते हो, वैसा हलवा अभी मैंने इसमें शक्कर नहीं डाला। ये मेरा दूसरी प्रकार का हलवा रहेगा, बिल्कुल बर्फी की तरह ही जम जाएगा। इसको मुझे अलग अलग कतरी कतरी काट करके तब मुझे हलवा को ले जाना है। अब देखिए, मैंने इसमें पानी, मुझे काफ़ी पानी इसमें डाल देना है, क्योंकि एक कटोरी रवा था तो मैंने इसमें काफ़ी पानी डाल दिया। अब जो शक्कर हमने रखा है, घी तो हमने पहले से ही अधिक से अधिक डाल रखा था, जो शक्कर हमने रखा भी, शक्कर भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ये हमारा पकने के बाद मतलब पूरी थाली में मुझे पहले देसी घी लगा देना है थाली में, फिर मैं इसको जमा दूंगी। इसके बाद 10 मिनट बाद मैं जब एक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब मुझको एकदम कतरे कतरे इसके काट करके रखना है। सो मैं आपको दिखाऊंगी। और ऐसे देखिए, जब भगवान की मैं कोई भी चीज़ प्रसाद बनाती हूँ ना, तो भगवान के लिए मैं कढ़ैया भी अलग से ही रखती हूँ प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारी हमेशा की कढ़ाई रहती है उसमें हम लोग प्याज लहसुन सब बनाते रहते हैं, तेल मसाला लगा रहता है, कितना भी आप साफ़ करो फिर भी सही से नहीं साफ़ हो पाता। इसलिए हमेशा भगवान के लिए जो भी आप बनाते हो प्रसाद के लिए, तो बर्तन हमेशा अलग ही रखना चाहिए। वैसे मेरी तो भगवान की साबुन भी बर्तन की अलग है, सो मैं तो सब अलग ही रखती हूँ। और इधर मेरी चाय भी पक रही है, देखिए हमारी चाय भी कंप्लीट हो रही है। सो मीना, हम अभी चाय भी पियेंगे और बच्चों का दूध भी कंप्लीट करके हमने रख लिया है। तो मुझे बहुत सारे काम निपटाना है, इसके बाद ही मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो बहुत ही हड़बड़ी होती है और बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। सो जल्दी जल्दी ही सारे काम ही करना पड़ता है। सो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने थाली पे घी लगा रखा है अच्छे से। थोड़ा सा घी लगाने के बाद अब मैं इसी हलवे के इसी पे डाल दूंगी और अच्छे से मुझे इसको अच्छे से पूरी थाली में ही इसको फैला दे। देखिए, एक कटोरी रवा में कितना सारा हलवा कंप्लीट हो गया। रवे का हलवा बहुत ही अधिक हो जाता है, कितना भी आप थोड़ी बनाने की कोशिश करो ना, तो भी देखिए इतना पूरी थाली में मेरा हलवा पूरे अच्छे से ही। कृष्णा को हलवा बहुत ही पसंद है, सो रवे का हलवा तो हम कृष्णा के लिए ही बनाते रहते हैं। कृष्णा तो इस समय है नहीं, गांव में है, सो कृष्णा हलवा बहुत ही खाते हैं। वैसे सभी लोग लाते हैं प्रसाद में, माता जी में चढ़ाने के लिए, प्रसाद के लिए हलवा।
क्योंकि आज के दिन मीठी चीज ज्यादा ही लोग चढ़ाते हैं, शुक्रवार है, शुक्रवार में माता जी ने मीठी चीज का ही भोग लगाना चाहिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद हलवा हमारा कैसे कम्प्लीट हो रहा है। ये देखिए मनु गोविंद दोनों लोगों ने दूध भी फिनिश कर लिया और पढ़ाई भी कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 5 बज गए, क्योंकि मुझे फटाफट मंदिर भी जाना है। मीना भी आ गई, चाय पी रही है, हमारी चाय भी रखी हुई है। अब तुरंत मुझे हलवा रेडी हो गया है और मुझे भी रेडी होना है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप भी आइए हमारे साथ चाय पीजिए। ये देखिए हमारा हलवा तैयार भी हो गया। ये देखिए ऐसे बर्फी बर्फी, वो सूखा वाला हलवा नहीं है। ये देखिए आराम से निकल भी आया। देखिए हमने चक्कू से आराम से इसको तैयार कर लिया और ढेर सारा प्रसाद में आप चाहे जैसे प्रसाद दोगे आराम से सबको हो जाएगा। तो चलिए अब हम बाद में मिलते हैं आपसे। देखिए हमारा हलवा ऐसे रेडी हो गया। अगर गरी का भूरा होता ना तो इसके ऊपर से मैं डाल देती ना तो और ही मतलब अच्छा दिखता। सो अब हम चल रहे हैं मंदिर। अब हम जा रहे हैं मंदिर, आप भी आइए हमारे साथ मंदिर चलिए भजन कीर्तन के लिए।
मंदिर से आने के बाद मैंने फटाफट सब्जी रोटी बनाया और ये आलू पेटीज भी ले आए, ये भी आ गए। मनु गोविंद खा भी रहे हैं, दूध भी मेरा उबल गया। अब हम भी जा रहे हैं इनको खाना निकालने। अगर मेरा भजन सब अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, और आप भी आइए मनु गोविंद के साथ आलू पेटीज खाइए। जय माता की।